हेलो, मेरा नाम स्टीवन हॉकिंग है और मैं एक फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और कुछ हद तक ड्रीमर हूं। मैं चल फिर नहीं सकता और मैं एक कंप्यूटर के जरिए बोलता हूं, लेकिन मैं मन से आजाद हूं। मैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों का जायजा लेने के लिए आजाद हूं और उनमें सबसे बड़ा सवाल भी है कि क्या कोई ईश्वर है जिसने ब्रह्मांड यानी तारों और ग्रहों से लेकर आपकी और हमारी भी रचना की और जो सबको नियंत्रित भी करता है। इसका पता लगाने के लिए हम प्रकृति के नियमों की यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहीं इस पुराने सवाल का जवाब मौजूद है कि ब्रह्मांड कैसे बना और ये कैसे काम करता है। इसे देखिए, मैंने हाल में एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें सवाल है कि क्या ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की है, इस पर थोड़ा विवाद भी हुआ। लोग नाराज हो गए कि धर्म के मामले में किसी वैज्ञानिक को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि उसे क्या मानना चाहिए, लेकिन मेरी नजर में ये विज्ञान के लिए जायज सवाल है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। आखिरकार ब्रह्मांड की रचना किसने की और कौन इसे नियंत्रित करता है, इसकी बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण और बुनियादी रहस्य पर विचार करना बेहतर है। पुराने जमाने में इसका जवाब लगभग एक ही होता था, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। दुनिया एक डरावनी जगह थी, इसलिए वाइकिंग जैसे ताकतवर लोग भी बिजली कड़कने या तूफान जैसी कुदरती बातों को समझने के लिए अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। वाइकिंग लोगों के कई अलग अलग देवता थे। थॉर आसमानी बिजली के देवता थे, एक और देवता एडेयर समुद्री तूफान पैदा करते थे, लेकिन वो स्कॉल नाम के देवता से सबसे ज्यादा डरते थे। वो देवता उस खौफनाक प्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार थे जिसे हम आज सूर्य ग्रहण कहते हैं। स्कॉल को आसमान में रहने वाला भेड़िया देवता माना जाता था। कभी कभार वो सूर्य को खा लेते थे, जिससे वो डरावना पल आता था जब दिन रात में बदल जाता था। कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिक कारण नहीं जानने की वजह से सूर्य को गायब होते हुए देखकर लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। वाइकिंग लोग इसके जवाब में वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। वो भेड़िये को डराकर भगाने की कोशिश करते थे,